अब बात कानपुर की करते हैं। कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता को धमकियां मिलने का मामला सामने आया। आरोप ये लगा कि देश विदेश से सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दरअसल सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी ने कानपुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी की सक्रियता को लेकर खुलासा किया था और कहा था कि दावते इस्लामी ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चंदे के लिए बॉक्स लगवाए हैं जिसका इस्तेमाल जबरन धर्मांतरण के लिए हो रहा है। पुलिस ने ऐसे बॉक्स बरामद भी किए थे। अब शिकायत पर पुलिस धमकी प्रकरण की जांच कर रही है। हमारे परिवार के लोगों का क्या कसूर है? हमारे परिवार के लोग भी इस देश के नागरिक हैं, उनको भी जिंदा रहने का अधिकार है, उनको भी सुरक्षा पाने का अधिकार है। इससे पहले भी हमारे परिवार पे कई बार हमले हो चुके हैं, तो लिहाजा हमारे परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, इसके संबंध में हम प्रार्थना पत्र देने आए। की गई है कि पाकिस्तान के दावत इस्लामी समर्थकों द्वारा फेसबुक मैसेंजर पर धमकियां इनको दी जा रही हैं, इसके संबंध में हम लोग जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। जी, इसमें जांच की जा रही है, इस संबंध में सभी SHOs को निर्देश दिए जा चुके हैं।